प्रोफेसर कुसुम लता मलिक हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में, और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की चेयर वीमेन हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड पूरे देश भर में 25 हमारी ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, और JNK उन्हीं ब्रांचेस में से एक है। मेरे साथ ये बड़ियाल साहब हैं जो यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, दुबे साहब हैं जो इस स्कूल के, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड स्कूल चला रही है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके ये प्रिंसिपल हैं। ऐसे ही हमारे देश भर में लगभग 4 स्कूल चल रहे हैं, 15 हॉस्टल्स चल रहे हैं, और दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और दूसरी तरह के नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड जो है, टोटल 51 प्रोजेक्ट्स हम देश भर में चला रहे हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड भारत की ऐसी संस्था है जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मास बेस्ड है। डायरेक्ट कोई भी देश का मेंबर जो ब्लाइंड है, लो विजन है, इस फेडरेशन का सीधा सदस्य बनता है। लगभग हमारे 5 लाख देश भर में सदस्य हैं, और हम अलग अलग अपने सदस्यों के लिए बर्थ से लेकर डेथ तक पूरा काम करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन बहुत मस्त है, तो एजुकेशन में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड स्कॉलरशिप देता है, देश भर में से हम चुनते हैं हर साल। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि भारत सरकार से हमने 45,000 स्कॉलरशिप जो है वो चालू करवाई है, वो 50% जिन बच्चों के मार्क्स होते हैं उनको मिलती है। और आप जानते हैं कि संसाधनों की कमी से बच्चे पीछे रह जाते हैं और उनको नहीं मिल पाते 50%, तो 50% से नीचे जिन बच्चों के नंबर आते हैं उन बच्चों को राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए हम एजुकेशन लोन देते हैं, उसके बाद रिहैबिलिटेशन में मदद करने के लिए हम उनको हाउस बनाने के लिए लोन देते हैं, और ये लोन हमारा बिल्कुल मिनिमम रेट्स पे होता है जो किसी बैंक से भी नहीं मिलता है। इस तरह से जो मेडिकल की स्कीम्स हैं हमारी, जो हमारे साथी बीमार पड़ जाते हैं जो नौकरी में हैं, तो उनको एकदम लोन दे देते हैं बिना किसी ब्याज के, वो बाद में उसकी भरपाई धीरे धीरे किस्तों में करते हैं। और जो साथी बेरोजगार है उनको हम वैसे ही मदद करते हैं, कोई ऑपरेशन कराना है, कुछ भी कराना है। और ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं जिस संस्था की वाइस प्रेसिडेंट और चेयर वीमेन हूँ, वो संस्था सरकार से कोई मदद नहीं लेती है। ये सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर, और हम लोगों ने अपने कुछ FDs कर रखी हैं, जो पहले हमारा एक प्रोग्राम चलाया गया था उससे मिस्टर संतोष कुमार रोंगटा, जिन्होंने इस संस्था को बनाया और इतना बढ़ाया है, उन्होंने उन FDs से पूरे ये 51 प्रोजेक्ट जो है देश भर में चलाते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा स्कूल है, इसके विषय में मैं विशेष रूप से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जहाँ भी कहीं कोई बच्ची गांव में है, किसी भी जाति की है, किसी भी वर्ग की है, उसे इस स्कूल तक लाने का वो प्रयास करें। और यहाँ की हम लोग यहाँ भोजन, निवास सब कुछ फ्री देते हैं उन बच्चों को, और अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने का हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं जम्मू एंड कश्मीर सरकार से जो निवेदन करना चाहती हूँ वो ये है कि वो हमें कुछ शिक्षक दिलाएं, जिन शिक्षकों को हम वेतन सरकार दे, और हमारे यहाँ कुछ शिक्षक दे जो साइंस और मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा सके। हम वैसे रख रहे हैं अपने बिहाब पे, तो हमने बहुत सारे शिक्षक रखे हुए हैं यहाँ, लेकिन ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी एजुकेशन की। आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अधिक से अधिक कितनी तनख्वाह दे सकती है, 10,000-15,000, तो अगर सरकार की तनख्वाह पे क्वालिटी मेंटेन होती, गुणवत्ता मेंटेन होती है, तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, और जो हमारी बच्चियां हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। एक और प्रार्थना मैं करती हूँ जम्मू एंड कश्मीर सरकार से कि हमारे इस स्कूल का अपग्रेडेशन कराएं, इसमें हमारी मदद करें। अभी ये स्कूल प्राइमरी तक था, 8वीं तक ही नहीं, हम चाहते हैं कि 12वीं तक हमारी बच्चियां यहाँ शिक्षा प्राप्त करके उसके बाद सीधा कॉलेजेस में जाए। तो इस अपग्रेडेशन में जितनी मदद कर सकते हैं हमारी सरकार, या जो भी ये मेरी बात सुन रहे हैं सरकारी कर्मचारी या सेक्रेटरी लेवल के प्रशासक, मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि इस स्कूल के अपग्रेडेशन में हमारी मदद करें। और धन्यवाद करती हूँ मैं जम्मू